हेलो हेलो, अच्छा था, बहुत अच्छा था, फर्स्ट क्लास. अनिल कपूर वॉज वेरी गुड, ऐश्वर्या ऑल्सो वेरी गुड, एंड द गर्ल, न्यू गर्ल, शी इज ऑल्सो एक्टेड वेरी वेल. ओवरऑल वेरी क्लीन मूवी यार, दैट इज द मेन. वेरी नाइस, वेरी अनिल कपूर, अनिल कपूर ऑफ कोर्स, वी आर फैंस ऑफ अनिल कपूर. एटलीस्ट 3.5, डेफिनेटली, एंड क्लीन मूवी. अच्छी मूवी सर, अच्छी अच्छी मूवी सर. अनिल कपूर की, उसकी बेटी की अच्छी बॉन्डिंग दोनों की, तो अच्छी लगी. हाँ अच्छा अच्छा काम किया ऐश्वर्या ने. अरे वो तो शानदार, हमेशा से अच्छे. अच्छी मूवी है, क्या देख लें. बिल्कुल 4. मूवी ठीक ठाक है. मतलब कहानी क्या है, अनिल कपूर सिंगर बनना चाहते हैं, वो बन नहीं किसी कारण से बन पाते, तो उसको अपनी बेटी को सिंगर बनाना चाहते हैं, तो ऐश्वर्या को किडनैप करते हैं. इसके बाद स्टोरी जो भी है चलती है. उनका जो मतलब स्क्रीन स्पेस बहुत कम दिया गया, लेकिन उसके अनुसार से वो फिट बैठते हैं. राजकुमार राव का भी स्क्रीन बहुत कम है, लेकिन उनके अनुसार से वो भी ठीक बैठते हैं. ज़्यादा रोल अनिल कपूर का है और वो फैंटास्टिक एक्टिंग का उनका बहुत अच्छा. स्टोरी मतलब ये तो बेल्जियम कोई मूवी है, उसकी एक कॉपी है, बट वो ऑस्कर अवार्ड विनिंग है, लेकिन उसके अनुसार से स्टोरी ठीक ठाक है. उन्होंने कॉपी किया, लेकिन ज़्यादा कर नहीं पाए, लेकिन ठीक है. एक फर्स्ट टाइम वॉच देखने लायक है. नहीं फिर से नहीं, फर्स्ट टाइम वॉच. 3 स्टार. बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब प्रोत्साहन देने वाली थी फिल्म, अच्छी थी बहुत. और किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी? ऐश्वर्या राय की. हाँ, ज्यादा रोल है, ज्यादा मतलब बहुत सालों बाद आई ना, इसलिए अच्छी है अभी. अच्छा, और राजकुमार राव की एक्टिंग कैसी लगी? हाँ वो भी बहुत अच्छे है, अच्छा रोल. अनिल कपूर कैसे? अनिल कपूर की तो बेस्ट ही एक्टिंग रहती है पहले से. हाँ स्टोरी बिट बीच में थोड़ी ऐसा बोर ऐसा लगा, बाद में फिर एंडिंग बहुत अच्छी थी. सॉरी 5 में से 4. थैंक यू सो मच. फने खान बहुत अच्छी लगी, अतुल मांजरेकर का डेब्यू है, और अनिल कपूर ही प्लेज द मेन प्रोटैगनिस्ट, ही इज़ इन द रोल ऑफ फने खान. बहुत ही टचिंग, इमोशनल, हार्टवार्मिंग रोल है उनका. और ऐश्वर्या राय का बहुत ही स्टाइलिश और फ्लैम्बोयंट किरदार है, और एट दिस एज ऑल्सो शी डांसेस सो वेल, शी लुक सो स्टनिंग एंड सो गॉर्जियस. और उनके साथ राजकुमार राव हैं, अगेन वी आर ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि वो बहुत एज डिफरेंस है, लेकिन इतनी क्यूट केमिस्ट्री है दोनों की. स्टोरी बहुत ही अलग है, और सबसे बड़ा हाईलाइट है म्यूज़िक. अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, जितने भी गाने हैं. लास्ट सॉन्ग में सबकी आंखों में आंसू थे, तेरे जैसा तू है मेरे जैसी मैं हूँ वो गाना. फिर एक जवा है मोहम्मद, विच इज़ कम्पोज बाय तनिष्क बागची, उनका भी बहुत अच्छा है. बाकी सारे गाने जितने भी हल्के हल्के और जितने भी गाने अमित त्रिवेदी ने कंपोज किए हैं, बहुत अच्छे गाने हैं. और मूवी का सबसे बेस्ट फैक्टर क्या लगा? बेस्ट फैक्टर ये लगा स्टोरी, यू नो, कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं. अनिल कपूर का दिखाया दैट ही इज़ एन एस्पायरिंग सिंगर, और वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो अपनी बेटी के थ्रू अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं. तो उन्होंने यही दिखाया कि अपनी बेटी के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, एंड व्हाट ऑल ही गोज थ्रू टू द एक्सटेंट ऑफ किडनैपिंग अ स्टार सिंगर, यू नो, जस्ट टू गेट अ लॉन्च फॉर हर डॉटर, फॉर हिज डॉटर. सो बहुत अच्छा लगा देखकर. 3.5. थैंक यू सो मच. सर मैं तो बहुत शौकीन हूँ, हर एक पिक्चर देखती हूँ, एंड दिस मूवी इज़ वेरी नाइस. एंड अनिल का पहला पोस्टर देख के मेरे को पहला क्या ये फैनी खान क्या देखेंगे ऐसा सोचा, लेकिन जो पोस्टर से कोई मतलब जजमेंट नहीं लेने का है. मैं तो कोई रिव्यू तो नहीं देखती हूँ, फिर भी पिक्चर में आने के बाद, क्योंकि रिव्यू देखती हूँ फिर बाद में मज़ा नहीं आता पिक्चर में बैठने का. सो बहुत अच्छा है, दिस इज़ अ क्वाइट डिफरेंट. एंड पेरेंट्स के अपने औलाद क्या बनना चाहते हैं रियली, एज ए डॉक्टर एज ए इंजीनियर, अगर हम नहीं बन सके तो 27-28 ईयर्स में तो बच्चे तो रियलाइज़ होते हैं, चाहे यार मैं IIT नहीं बन सका, मैं एक कॉरपोरेट नहीं बन सका, मेरा बच्चा को तो बना के ही छोड़ूंगा, ऐसा जो है ना वो टाइम में पेरेंट्स किसी हद तक चले जाते हैं. तो इसी में एक ब्लैकमेल का थोड़ा थोड़ा फंडा, बट वेरी वेरी प्रोफेशनल ब्लैकमेलर नहीं है, वहाँ जाम भी बोल देते हैं. इट्स अ रियल एक्शन, इज अ रियल एक्शन, रियल अफेक्शनेट एक्शन. हाँ ये तो ऐश्वर्या तो एवर ग्रीन, ऐसा तो लगा ये और 10 साल के बाद भी ऐसी लगेगी, ऐसा लग रहा है ऐश तो ऐसे.
अनिल भी तो इक्वल इक्वल मिस्टर इंडिया भी कैसा है, आज भी वैसी है अनिल। अनिल का तो कोई जवाब ही नहीं है। राजकुमार राव कैसा लगा आपको? अच्छा लगा उनका न्यू टाइम। हाँ या आउट ऑफ फाइव आई गिव 4.5, तो दोबारा देखूंगी और टीवी में जब आएगा तभी भी देखेंगे। जैसे मोम देखे है बार बार वैसे इनका भी देखते रहेंगे। अच्छा लगे। अच्छा फिल्म अच्छी है, नाइस। क्या बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बोलते हैं उसको, जो एकदम नयापन कुछ देखने को मिला। सो आई रियली एंजॉयड द फिल्म। सो आप तो लॉन्ग टाइम अनिल कपूर और ऐश्वर्या मैम साथ में आए थे। हाँ जी, कुछ देखने मिला पर्दे पर? पर्दे पर क्या उससे कहते हैं, उनकी जो मतलब उनके बीच में कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। वो उनको किडनैप कर लेते हैं, उसके बाद उनकी केमिस्ट्री राजकुमार राव के साथ शुरू होती है, ठीक है। वो ज़बरदस्त है। और लेकिन हाँ, दोनों की डेडिकेशन, दोनों एक्टर्स है। अब बोलेंगे लोग कि ऐश्वर्या राय मिल फिल्म को मैम को सपोर्टिंग रोल करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसी फिल्में भी करनी चाहिए, उनको अच्छी लगेगी। जैसे मैंने उनके इंटरव्यूज देखे थे, उन्होंने बोला कि यार कुछ अच्छा है तो करो ना, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कुछ बड़ा रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, लेकिन ठीक है, अच्छी लगी वो, अच्छी फिल्म थी। एंड आई एम वेरी श्योर ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी, तो फिर लाख बोलना बंद कर देंगे, हाँ यार सब अच्छे थे। तो और अनिल कपूर सर, तो यार अनिल कपूर सर मतलब उनकी डेडिकेशन, इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, अभी भी वो भूख है, तो बड़ा मज़ा आता है उनको देख के। यार ऑब्वियसली रिलेट कर पाए, हम एक्टर्स हैं। सो और बॉम्बे में हम लोग आके स्ट्रगल करते हैं, और यू नो कितना मेहनत करनी पड़ती है हमें पता है, ठीक है। सो एक 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 वो जो एंड में मतलब बीच में हुआ ना कि किडनैप कर लिया, एक गलत रास्ता अपनाया, ठीक है, वो तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। यू नो एज एक्टर्स ये वाली प्रेरणा मत लेना भाई, अगर कोई फिल्म देखने जा रहा है तो ऐसी वाली प्रेरणा, ऊटपटांग हरकतें करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करोगे तो मिली जाएगी। और किडनैप करने के बाद भी ऐश्वर्या राय से यू नो पूछा जाता है कि आपने कभी सिंगर बनने के लिए कुछ ऐसा किया था क्या? सो बहुत अच्छे से जवाब देती है कि ऐसे करने वाले हैं ना, दो दिन में डूब जाते हैं, ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सो वही एंड में होता है, फिर एंड में फिर फिल्म पॉजिटिव की तरफ घूम जाती है, ठीक है। अगर अनिल कपूर ने उनको किडनैप भी किया था, कुछ अपनी बेटी को आगे पहुंचाने के लिए किडनैप किया था, पैसे ले जो जिस चीज़ के लिए किडनैप किया था वो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, किडनैप किया था, लेकिन वो एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है ना, जैसे बोलते हैं वो हुआ था इस फिल्म में। मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है एक तो एक्टिंग, ठीक है, राजकुमार राव अनिल कपूर की एक्टिंग, और उसके बाद क्या उसे कहते हैं, अतुल मांजरेकर सर की डायरेक्टर, यू नो जो उसका एकदम एड्स कर देते हैं सर, अभी इनकी फर्स्ट फिल्म है, बहुत अच्छी है। क्लाइमैक्स इज सुपर्ब, आपको वो इमोशनल राइड पे ले जाएगा। 4 stars out of 5। थैंक यू। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी डायरेक्शन, बहुत मस्त था, और बीइंग हिज फर्स्ट डेब्यू इट्स ऑसम, देयर वर नो फ्लॉज एट ऑल, सो इट वाज रियली गुड। The music was, the movie was nice, we like the music also. I like Ashwarya Rai also, a good comeback. And I like, it was good overall. Baby Singh was awesome. The film is excellently done. Anil Kapoor has done a fabulous job. I nominate him for Best Actor for next year's award. Atul Manjrekar, Best Director for next year's award. Fanne Khan, Best Film. It's a really good film. You know, they tell you that you can dream and aspire to achieve your dreams, and this feel, this movie really gives you that feeling that anything is possible if you really, you know, work hard for it. And it also shows you that you can get ahead with the family support and friend support. So it's a really good feel film. I encourage everyone to go and watch it. Yes. They've done an excellent job. They've not overshadowed the new young actress who's come on board. They have not intimidated her in any way. They have given equal time for everybody. But Aishwarya is looking gorgeous and pretty as ever. It feels like her first film. She's outdone herself, looking gorgeous. And even Anil Kapoor, excellent. After Lamhe, after all his other films, this is the next best film that he's really done. I'm so proud of him. The emotions that he's you know, portrayed, the feelings, all genuine. You know, full marks to the whole cast, everyone who's done, you know, production, makeup, everything. And hats off to our friend Atul. Yeah. I like the acting. I like Rajkumar Rao, especially when he's come out with his, like how we talk daily and his one-liners, they were good. I like Aishwarya, definitely she's back. And Anil Kapoor is all-timer, so I've been his fan as a grew by. So I like Anil Kapoor too. I think in this film it makes you believe in yourself, and more than anything, yeah, with the support of your family and friends, more than trust yourself and just
go and do what you feel like, which is right within yourself. Your guts tells you the good thing. Of course, yes. 5. 25 out of 5. Yes. Yeah. Bye. Funny Khan was very nice, superb movie. After Taal movie, Ash and Anil Kapoor was loved to see both of them after exactly 19 years ke baad. And it was very nice, touchy story about the fathers and daughters ki papa kya nahi karte apne beti ke career ke liye. And mujhe last scene bahut ye touchy laga ki papa khud pe blame le lete hain, parwa bhi nahi karte, just to make her proud of herself, to be on the career on the top. Sabse best factor kya laga movie mein jo aap relate kar paye? ये कि जो बॉन्डिंग दिखाई है, वैसे तो पापा एंड बेटी का रिश्ता ही बहुत टची होता है, सो समवॉट वही दिखाया है इसमें. 5 out of 5.